अरे भाई भाई, इतना अच्छा लग रहा था इंट्रो, काहे बंद कर दिए बे? अबे इतना अच्छा तो था, इतना मतलब अब कितना बड़ा इंट्रो बनाया जाए, इतना बढ़िया तो बनाया। थोड़ा और मजा, अबे मजा आ जाता ज्यादा, तो ज्यादा सब्सक्राइब मिल जाता, एक दिन में 10-20 मिलियन हो जाता तो सब रिकॉर्ड टूट जाता। अरे किसका फोन बजने लगा यार, तेरा फोन आ गया, काट काट माल का फोन काट कर। तो भाई लोग, उसका फोन काट दिया गया, वो नहीं सुनाया जाएगा आपको, आप इधर मत कान लगा के बैठा रहिए, ठीक है? सुनो ना, कोई तुमसे वो सुनना भी नहीं चाहता है, पहले जो वीडियो में देखने के लिए आए वो बताओ। अरे भाई चल चल बताते हैं। तो भाई आज की वीडियो में बताएंगे भाई टीयर रीसेट कि भाई C3S7 भाई यही ना होने वाला है भाई, C2 खत्म होकर C3 होगा। और भाई यहाँ पे देखो, मतलब भाई बंदा ऊपर था, ऑलरेडी फायर कर रहा था, मैं गाड़ी से उतर के मार दिया भाई। मतलब ये कैसे हो जाता है यार, तुम बताओ। मेरे सामने कोई गाड़ी से एग्जिट कर गया तो उसको मैं पेल दूंगा, तो भाई कैसे कैसे बंदे यार मतलब हक देते हैं कहाँ कहाँ पे भाई, जहाँ पे नहीं हकना चाहिए, है ना भाई? अरे तू हमसे क्या बार बार पूछ देते हो, हम तो खुद हगैले पे हक देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे सामने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मुंह से अपना ही बेइज्जती कर लिए भाई, ऐसा कैसे कर लेते हो भाई, अगले पे हक देते हो? अरे भाई, अपने मुंह से अपना बेइज्जती करने का मजा ही कुछ और है, कभी करके देखो। नहीं नहीं भाई, हम तो खुद से बड़ाई ही करते, बेइज्जती नहीं करते। और भाई यहाँ पे देखो, वन ऑफ द मोस्ट भाई कैंपर इन द लॉ। कैंपर इन लॉ, ये कौन सा डिग्री है? अरे कोई डिग्री नहीं है, लॉ बोलना चाह रहे थे, नहीं होता है ब्रदर्स इन लॉ मतलब सरवा, तो वैसे ही कैंपर इन लॉ मतलब कैंपर लोग का सरवा। तो मतलब देख रहे हो भाई, इतना तगड़ा कैंपर था भाई, हम गन रख के पहुंच गए इसके पास में, तब भी नहीं मार पाया, इसलिए बोल रहे कैंपर सबका सार। समझ गए। तो भाई बहुत हो चुका बकचोदी, अब बात करते हैं अपने टीयर रीसेट के बारे में। अरे गाड़ी आ रही है, सबसे पहले ये भाई साहब को देख लेते हैं। भाई देखो, बंदा सामने हो तो भाई तुम गाड़ी लाके ठोकोगे तो भाई कैसे भी पहले जाओगे। खैर भाई, पहले जाओ या नहीं जाओ, पहले टीयर रीसेट देखो। तो भाई नेक्स्ट जन C3S7, तो भाई उसमें भाई किस पे छोड़ेगा भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भाई अपन लोगों को कॉन्करर करना है, क्योंकि भाई कॉन्करर ईजी अपन लोगों को कैसे मिल जाए भाई वो भी हम बताएंगे। तो पहले भाई अपना अपना टीयर देख लो भाई, इस जन किस में है तुम्हारा टीयर, जैसे एस हो गया किसी का, एस मास्टर किसी का, एस डोमिनेटर किसी का, कॉन्करर लग चुका है भाई, मतलब सबका टीयर मतलब अलग अलग होता है। तो भाई किसका किस पे छोड़ेगा भाई, ईजी अभी बताते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं क्राउन से, क्योंकि भाई क्राउन से हम इसलिए शुरू करते हैं कि मतलब डायमंड से और गोल्ड से लेकर शुरू किया जाएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। खैर भाई, डायमंड में कौन है आजकल भाई, नॉर्मल प्लेयर पूरा क्राउन खेल जाते हैं, मतलब क्राउन से आगे चले जाते हैं यार, क्राउन एस में होता है नॉर्मली भाई। डायमंड कभी बताएगा ना, ना रहने दो, डायमंड ज्यादा लोअर टीयर होगा, उसमें तुम जैसा लोग रहता है, हम जैसे लोग आगे रहते हैं, क्राउन से बताओ। कॉन्करर प्लेयर, दिमाग खट्टा मत करो, चलो क्राउन से जानो। तो भाई चलो क्राउन से बताते हैं। तो भाई क्राउन में तीन प्रकार से टीयर सेट होता है, चलो हम इजी बता देते हैं। तो तुम्हारा अगर क्राउन 5 और क्राउन 4 रहेगा तो तुमको प्लेटिनम 5 में छोड़ेगा भाई, इजी भाई, ये समझ लो, बिल्कुल भाई कुछ समझना नहीं है। तो भाई अगर क्राउन 5 और क्राउन 4 में रहेगा तो प्लेटिनम 5 में छोड़ेगा। तो भाई ये फाइनल हो गया, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे देखते हैं। तो भाई अपना क्या होता है, क्राउन 3 और क्राउन 2 होता है, तो भाई इसका प्लेटिनम 4 में छोड़ता है, सॉरी क्राउन बोल दिया था। तो भाई अब भाई एक ही बचता है भाई अपना क्राउन 1। तो भाई इस सीजन में अगर आपका टीयर क्राउन 1 है तो आपको छोड़ेगा प्लेटिनम 3, तो भाई याद रखो ये फिक्स है। और भाई सीजन कब चेंज होने वाला है, तो भाई सिंपल सा डेट तुमको दिखाता है 18 तारीख, तो भाई उसके एक दिन बाद, जितना डेट दिखाता है उसके अगले दिन सीजन आ जाता है, उसके अगले दिन 7:30 बजे अपना 19 तारीख को सीजन आ जाएगा। तो भाई 19 तारीख को तुम्हारा पूरा टीयर रिसीट हो जाएगा जिसे हम बता रहे हैं। तो भाई चलिए अब बात करते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एस के बारे में, जिसमें भाई सब बंदा अभी भाई M249 भाई ऐसे अरे हैकर लोग तो ही चलाते हैं M249, उनके लिए ही बना है, दूसरा कोई तो ज्यादा यूज नहीं करता। दीवार के आर पार मार रहे हैं, दीवार के आर पर भाई, ये कोई नया बात नहीं है, सब सर्वा वही करता है, दीवार के आर पर मारता है। तो भाई खैर भाई हटाइए भाई, अपन लोग बात करेंगे भाई अपना प्लेटिनम प्लेयर, सॉरी क्या बोल रहे हो भाई, दिमाग खराब हो जाता है जब हैकर मारता है। तो बात करेंगे भाई अपन लोग एस के बारे में, उससे पहले थोड़ा यहाँ पे फाइट लग चुका है डेंजर वाला, तो मोर्चा पे ध्यान लेते हैं, मोर्चा भी संभालना है ना। अब यहाँ पे वो बंदा नॉक कर दिया, तो भाई डुओ क्लच का बारी बनता है भाई, देख देख डुओ क्लच हो गया, डुओ क्लच। तो भाई यहाँ पे भाई वंस अगेन भाई, जब हम डुओ खेलते हैं तो भाई मैच में डुओ क्लच तो लगे करते हैं। सुनो ना, हम थपरी नहीं पीटने वाले हैं डुओ क्लच पे, ई रिसेट वाला बात बताओ अभी। और भाई थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा तो उसको भाई इग्नोर मारो, थोड़ा इधर गाँव में लफड़ा हो गया, लाठी ठोल हो रहा है, मतलब लाठी फट्टा चल रहा है, समझते हो ना, यू नो लाठी फट्टा। खैर भाई अभी बात करते हैं भाई अपना एस के बारे में। हाँ भाई, तो भाई अगर आपका इस सीजन में टीयर भाई एस है तो भाई आपको छोड़ेगा भाई प्लेटिनम 2 पे, तो भाई ये याद रखो भाई, इसके मतलब प्लेटिनम 2 भाई बहुत नीचे। वो क्या था जी, एस मास्टर था, 47-48 एस मास्टर नहीं होता है 47 के बाद, अबे वो छोटका एस मास्टर, उस एस मास्टर नहीं होता है भाई, 48 के बाद बड़का एस मास्टर होता है। तो भाई इस वाली बात पे थोड़ा ध्यान दे दो कि अगर तुम्हारा पॉइंट 4200 और 4700 रहे तो भाई इसमें भाई तुमको प्लेटिनम 2 ही छोड़ेगा, ठीक है, इसको भाई पूरा एस ही बोलते हैं, मतलब वो एस मास्टर दे देता है 47 के बाद, लेकिन भाई
पता नहीं भाई देता क्यों नहीं, साला प्लेटिनम वन देना चाहिए, मतलब जैसा देता है ना सबका। तो भाई इसका भाई अगर तुमको लगाना है, अगर तुमको भाई कॉन्क्रो लगाना है तो हम बोलते हैं ना भाई 4800 के बाद तक मतलब अपना इस सीजन में पॉइंट कर लो कि भाई नेक्स्ट सीजन में तुमको प्लेटिनम वन छोड़े, क्योंकि भाई एस मास्टर और एस डोमिनेटर और भाई कॉन्क्रोर का किस में छोड़ता है, चलो फिक्स कर लेते हैं। अरे क्या फिक्स करना है, प्लेटिनम वन में छोड़ता है एस मास्टर कॉन्क्रोर और डोमिनेटर का, फिक्स क्या करना है बताओ, उसको पोस्टर लगा कर दिखा दो सबको। अरे भाई वही तो प्रॉब्लम, पोस्टर वो खत्म हो गया है। काहे खत्म हो गया रे, कितना छपवाया था? अरे वही 200 छपवाए थे यार। तो 200 में कहाँ काम चलने वाला था, तुमको ज्यादा छपवाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, प्रचार प्रसार इसी तरह मुंह से कर दे। हाँ वही बताए तो भाई अगर तुम्हारा एस मास्टर और एस डोमिनेटर और कॉन्करर हो तो भाई तुमको प्लेटिनम वन छोड़ेगा। और बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई डायमंड में छोड़ता है, भाई डायमंड 5 में छोड़ता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, डायमंड एक भाई थोड़ा हाई टियर होता है भाई, गन का स्किन मिलता है तो भाई उसमें नहीं छोड़ता है। तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, आई होप भाई सारा का सारा फंडा तुमको समझ में आ गया होगा कि भाई किस पे छोड़ता है किस पे नहीं छोड़ता है, भाई करना है अगले सीजन, कहाँ नहीं करना है, कॉन्करर करना है।